हॅलो एव्हरीबडी, वेलकम टू नागेश करजगे ऑर्किड स्कूल शिक्षण आपल्याद्वारे. मार्गदर्शिका श्रीमती रूपाली हजारे, विषय अध्यापिका नावी शेख, विषय हिंदी कक्षा तिसरी. कक्षा तीन में आप सभी का स्वागत है. तो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे. छोटी उम्र के बच्चों को उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, खेल खेल में सीखना, ये प्रवृत्ति उनकी होती है. उन्हें व्याकरण बहुत ही कठिन जाता है, जिसकी वजह से व्याकरण जैसे विषय को वो ज़्यादा ख्याल नहीं देते, वो पसंद नहीं करते. परंतु भाषा का ज्ञान सीखने के लिए व्याकरण बहुत ही ज़रूरी है. व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है. इसके लिए बच्चों को भाषा शुद्ध रूप में और खेलने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए व्याकरण का समझना बहुत ही ज़रूरी है. व्याकरण से बच्चों का भाषा ज्ञान समृद्ध होता है. तो इसलिए हम लोग आज व्याकरण का पाठ पढ़ने वाले हैं. पाठ है हिंदी व्याकरण ए, भाषा और वर्णमाला. तो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ना भाषा, लैंग्वेज. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कुछ सीन दिख रहा है ना. तो यहाँ पर जो सीन दिख रहा है, वहां पर क्या दिख रहा है, मेले का सीन दिख रहा है. यहाँ पर एक फुगे वाला जो कुछ बेच रहा है. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, राजा मेला देखने गया, मेले में उसने फिरकी वाला देखा. तो देखो यहाँ पर ये फिरकी वाला दिख रहा है, वो कुछ सामान यहाँ पर बेच रहा है. तो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, वो फिरकी कितनी अच्छी है. ये लड़की क्या बोल रही है, वो फिरकी कितनी अच्छी है. ये लड़का क्या बोल रहा है, नहीं मुझे बाजा लेना चाहिए. और ये क्या बोल रहा है, अरे वो चिड़िया देखो. यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है आपको, क्या लोगे, फिरकी या चिड़िया. तो देखो बच्चों, अगर आपको कुछ मांगना है, कुछ बोलना है, तो इसके लिए आपको भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है. तो जब आप बोल सकोगे, देख सकोगे, पढ़ सकोगे, तभी अपने भावनाओं को आप प्रतीत कर सकोगे. इसलिए हमें भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है. आगे क्या है, देखो देखो ये फिरके वाले से ये बच्चे मांग रहे थे, तो फिर ये फिरके वाला उनके साथ बात कर रहा है. जब हम किसी के साथ संवाद करते हैं, तो हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है. देखो यहाँ पर ये फिरके वाले को, ये बच्चे ऊपर के सीन में आपने देखा, बच्चे कुछ मांग रहे थे, जैसे कि क्या बोल रहे थे, मुझे वो बाजा चाहिए, वो चिड़िया चाहिए, ये कितना सुंदर है. अभी उसके आगे नेक्स्ट सीन में देखो क्या दिख रहा है, ये बच्चे क्या मांग रहे हैं. तो फिर ये फिरके वाला उन्हें बोल रहा है, क्या लोगे, फिरकी या चिड़िया. अच्छा, नहीं मुझे वह बाजा चाहिए. तो ये लड़का क्या बोल रहा है, मुझे बाजा चाहिए. तो फिर फिरके वाले ने क्या बोला, अच्छा. राजा फिरके वाले के पास गया, राजा ने बोलकर फिरके वाले को मन की बात बताई. फिरके वाले ने सुनकर राजा के मन की बात समझी और उसे बाजा दे दिया. देखो हम लोग किसी के साथ बात करते हैं तो कितनी क्रिया होती है, जैसे कि हम पहले जान लेते हैं, फिर अपनी मन की बात उन्हें बता देते हैं, उसके बाद वो सुनते हैं, और फिर उसके बाद जो क्रिया होती है. तो इस प्रकार से हम लोग किसी के साथ भी अगर संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो इतनी सारी प्रक्रिया होती है, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना. तो इस तरह से हमें भाषा समृद्ध करती है. तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी ये दो बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं. इनका नाम क्या है, ये लड़के का नाम है अमर और ये है ईशा. तो अमर ये ईशा के साथ बात कर रहा है. अमर उसे क्या कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है. तो ये ईशा बोलती है, मेरा घर गांधीनगर में. तो यहाँ पर ये दोनों का संवाद चल रहा है ना. तो फिर यहाँ पर ये संवाद के लिए किस बात की जरूरत है, भाषा की जरूरत है. तो फिर यहाँ पर अमर ने क्या कहा, अमर ने ईशा से उसके घर के बारे में पूछा. ईशा ने बताया कि उसका घर गांधीनगर में है. हम अपने मन की बात बताने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं. भाषा मन की बात बताने का साधन है. भाषा से हम कई काम करते हैं, जैसे कि बोलना, सोचना, लिखना, बताना, पूछना, समझना और पढ़ना.
देखो सब जब हम लोग छोटे होते हैं तभी हम ज्यादातर किसके पास रहते हैं, अपने माता पिता के पास, अपने घर में ज्यादा रहते हैं। तब वो जो कुछ बोलते हैं बताते हैं वो सुनकर ही हम बात करना सीख जाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं, जब हम लोग स्कूल में आते हैं टीचर हमें कुछ पढ़ाते हैं, तब अगर हमको भाषा का ज्ञान होगा तभी हम सोच सकेंगे और आपके दिल में कुछ भी जो भी सवाल आते हैं वो आप पूछ सकते हो। फिर उसके बाद उसके आगे क्या होता है, हम लिखना सीखते हैं, टीचर हमें बोलते हैं बताते हैं, उसके बाद हम वो देखकर लिखना सीखते हैं। उसके बाद कुछ आपको क्यूरी होती है तो आप उनको टीचर को पूछते हैं बताते हैं। उसके बाद है हम समझ के लेते हैं और फिर वो पूरा जो कुछ सिखाते हैं वो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम लोग भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें भाषा किस लिए चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, सोचने के लिए चाहिए, लिखने के लिए चाहिए, बताना, किसी को कुछ अपनी मन की बात बताना है तो हम किससे बताएंगे, बोलकर ही बताएंगे ना। लेकिन हमको अगर समझ रहा है सामने क्या चल रहा है, वो सामने वाला क्या बोल रहा है, तो ही हम लोग उसको बोल सकेंगे बता सकेंगे। उसके बाद पूछने के लिए, समझाने के लिए और पढ़ना। तो भाषा इस तरह से हमें समृद्ध करती है, इसलिए ग्रामर का पार्ट सीखना हमें बहुत ही जरूरी है। तो देखो बच्चों, भाषा को प्रयोग में लाने के तरीके, हम भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, जैसे कि बोलकर और लिखकर। देखो यहाँ पर दिख रहा है बोलकर, हमारी भाषा हिंदी है, तो ये टीचर बोल रहे हैं हमारी भाषा हिंदी है और ये बच्चे सुन रहे हैं। अध्यापिका ने बोलकर बताया हमारी भाषा हिंदी है। अगर आपको हिंदी नहीं आती है और वो टीचर कुछ सिखा रही है तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको उस सब्जेक्ट का, उस विषय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो भाषा सीखकर और ग्रामर का पोर्शन, ग्रामर का जो पार्ट है वो भी सीखना हमें बहुत ही जरूरी है। तो आगे देखो, बच्चों ने सुनकर उनकी बात को समझा, यह भाषा का मौखिक रूप है। तो देखो मौखिक और लिखकर, ऐसे दो तरीके से हम लोग भाषा सीख सकते हैं, जैसे कि सुनकर और लिखकर। तो यहाँ पर बच्चों ने सुनकर ये ज्ञान प्राप्त किया, टीचर ने जो बताया वो उन्होंने क्या किया, सुना है और उन्हें यह समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये ज्ञान कैसे लिया, मौखिक तरीके से लिया है। अभी उसके बाद क्या है, लिखकर। तो यहाँ पर देखो, इस चित्र में अध्यापिका लिखकर मात्रा से नए शब्द बनाना सिखा रही है, बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। तो टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो पहले आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं और उसके बाद फिर आपको लिखकर बताते हैं, तो फिर बच्चों का वो भाषा ज्ञान परफेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित दो रूपों में करते हैं। हम बोलकर और लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मौखिक तरीके से पढ़ा रही हूँ, लिखित तरीके से पढ़ा रही हूँ क्या? नहीं। तो आप ये लोग, मैं जो पढ़ा रही हूँ ये आप समझ रहे हो, लेकिन जब मैं लिखकर बताऊंगी तभी भी आपको वो मैं क्या बता रही हूँ, बोल रही हूँ, वो समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो, ये टीचर जो है लिखकर बता रही है, हम बोलकर और लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर और पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। जैसे कि आप लोग भी मैं क्या आपको बता रही हूँ वो समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, भाषा के काम, भाषा के क्या काम है? तो देखो बच्चों, भाषा इस पाठ से हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, भाषा मन की बात बताने का साधन है। अगर हम किसी के साथ संवाद करते हैं, अपने टीचर है, अपने घर के लोग है या कहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, तो अपनी मन की बात किस तरीके से बोलते हैं, तो मन की बात बोलकर
बोलकर उन्हें समझाते हैं। उसके बाद है भाषा का प्रयोग, हम दो प्रकार से करते हैं, जैसे कि बोलकर और सीखकर। तो ये कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि हम लोग स्कूल में आते हैं तो हम बोलते हैं और लिखते भी है, इससे हमारा भाषा, हमारी भाषा जो है वो समृद्ध बनती है। उसके बाद है हम बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपनी मन की बात पहुंचाते हैं। ये कहाँ पर होता है, जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो हम क्या करते हैं, पेपर में लिखते हैं हमें जो कुछ समझ में आया है। तो इस तरह से आपके मन की जो भी बात है वो यहाँ तक, मन की बात दूसरों तक बोलेगा टीचर तक पहुंच जाती है। उसके बाद है दूसरे सुनकर या पढ़कर हमारी बात समझते हैं। जब आप लोग किसी के साथ बात करते हो या आपकी ओरल होती है तो आप लोग क्या करते हो, बोलते हो, पढ़ते हो और सुनते भी हो। इस प्रकार सुनकर सामने वाला क्या बोल रहा है ये सुन, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो ना, तो यहाँ पर ये सुनकर, सुनकर मेरी बात समझ रहे हो ना। उसके बाद पढ़कर, जब आप लोग को होमवर्क दिया जाता है तब आप क्या करते हो, कौन सी क्रिया होती है यहाँ पर, आप पढ़ते हो होमवर्क क्या दिया है और उस प्रकार से वो सॉल्व करते हो। तो इस प्रकार सुनकर पढ़कर आप लोग बात समझते हैं, सुनकर पढ़कर हमारी बात समझते हैं। तो इसलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो भाषा के काम क्या है, इस पाठ से हमने क्या सीखा, भाषा किस लिए हमें जरूरी है सीखना, बोलने के लिए, बोलना, बताना, पूछना, समझना, सोचना, लिखना और पढ़ना। तो बच्चों समझ में आ गया आपके पाठ, तो देखो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों अब बताओ, मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया आपको भाषा के बारे में, अब यहाँ पर ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, क्या लगता है आपको, बात कर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है, हाँ हाँ लिख रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, लिखना। इसके आगे ये क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हाँ बताओ, ये इसके हाथ में, ये एक बच्ची है उसके हाथ में माइक है, वो क्या कर रही है, बोल रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलना। उसके आगे क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है, हाँ बताओ, सुन रहा है, वेरी गुड। तो ये बच्चा सुन रहा है, और यहाँ पर क्या है, क्या कर रहा है, ये बच्चे के हाथ में बुक है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है वो, पढ़ रहा है, ओके। तो इस तरह से ये बच्चा लिख रहा है, ये सुन रही है, ये बात कर रही है, और ये क्या, यहाँ पर क्या आएगा, सुनना और ये पढ़ना। समझ में आ गया, यहाँ पर देखो कुछ चित्र दिख रहे हैं, चित्र देखकर लिखिए, यह भाषा का मौखिक रूप है या लिखित। तो देखो बच्चों ये बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मौखिक आएगा या लिखित आएगा, कौन सा स्वरूप आएगा यहाँ पर, हाँ बराबर है, यहाँ पर आएगा मौखिक रूप है, ये बात कर रहे हैं ना माइक से, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा मौखिक। उसके बाद यहाँ पर देखो अखबार दिख रहा है, ये बूढ़े दादाजी है या अखबार पढ़ रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कौन सा स्वरूप आएगा, मौखिक या लिखित, हाँ बराबर लिखित, तो यहाँ पर आएगा लिखित आएगा। नेक्स्ट है ये बच्ची कुछ लिख रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कौन सा स्वरूप आएगा, लिखित, वेरी गुड, यहाँ पर का आंसर क्या है, लिखित। उसके बाद क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, हाँ बोलो, फोन से बात कर रहा है ना, हाँ तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा स्वरूप आएगा, मौखिक, वेरी गुड। तो इस तरह से इसके आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्या है, वाक्यों के सामने बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर लिखिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर कुछ दिख रहा है, बच्चे दो बैठे हैं, यहाँ पर ये लड़की कुछ बता रही है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, अमीषा ने कविता सुनाई, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई बच्चों, बताओ,
अमीषा ने कविता सुनाई। कौन सी क्रिया हो गई? हाँ, कैसे सुनाई उसने? पढ़कर सुनाई। वेरी गुड। बच्चों ने कविता को समझा। कौन सी क्रिया हो गई? हाँ, क्या किया उन्होंने? बच्चों ने कविता सुनी है ना, तो सुनकर। कौन सी हो गई? सुनकर। यहाँ पर क्या है? दादाजी ने चिट्ठी से रवि की बात को समझा। तो कौन सी क्रिया हो गई यहाँ पर, बताओ? कैसे दादाजी ने रवि की मन की बात कैसे समझी? क्या आया यहाँ पर? पढ़कर, ये वाला आंसर आएगा। वेरी गुड। अमन ने फोन पर चुटकुला सुनाया। देखो ये बच्चा, इसको चुटकुला सुनाया है इसने। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। हाँ बताओ जल्दी से। बोलकर। वेरी गुड। नम्रता ने चुटकुले को समझा। किस तरह से समझा उसने? बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। उसके हाथ में क्या है? मोबाइल है। तो किस तरह से समझा उसने? सुनकर। तो ये आंसर आएगा, ये वाला, सुनकर। समझ गया, समझ में आ गया बच्चों आपको? वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यदि आपको ऐसा बालक मिलता है जो आपकी भाषा नहीं जानता, तो क्या आप तभी भी उससे मित्रता करेंगे? करोगे क्या बच्चे, बताओ? अगर कोई आपका फ्रेंड बात नहीं कर पाता, आप क्या बोल रहे हो वो समझ नहीं पाता, तो क्या आप उसके साथ मित्रता करोगे? नहीं करोगे। किसी के साथ अगर मित्रता बढ़ाना है, मेलजोल बढ़ाना है, तो संवाद बहुत ही जरूरी है। संवाद के लिए हमें क्या जरूरी है? भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और भाषा हम कहाँ से सीखेंगे? तो इस ग्रामर पार्ट से हम सीखने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया पार्ट आपको, भाषा का ज्ञान क्यों जरूरी है? ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो बच्चों। अभी भाषा सीखने के लिए हमें सब में जरूरी है वर्णमाला का ज्ञान होना। वर्णमाला को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो देखो, बोलते समय हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। जैसे कि देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है, आम। वरुण ने आम कहने के लिए देखो आ पहले बोला है, फिर उसमें म मिलाया है, तो इससे ये शब्द बना है आम। आम की ध्वनि को मिलाकर एक साथ बोला है। तो ये आम में कौन से दो वर्ड्स आते हैं? आ प्लस म, तो इससे ये आम बना है। उसके बाद देखो, नैना ने नल कहने के लिए न प्लस अ प्लस ल प्लस अ की ध्वनि को मिलाकर बोला नल। तो देखो हम कितना इजीली नल ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो शब्द कैसा बना है? ये न में अ भी ऐड है, ये ल में अ भी ऐड है, तो इस तरह से ये ध्वनि बना है नल। ये ध्वनियां ही वर्ण होती है, इन्हें छोटा नहीं किया जा सकता, यानी जैसे वैसे बोलना है इसको, ये छोटे नहीं हो सकते। जैसे कि आम और ये नल, मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जो हम लोग बोलते हैं, जो एकदम छोटी ध्वनि है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये जो वर्ण के जो समूह है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, वर्ण के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हिंदी में कितने स्वर हैं? देखो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड में पढ़ा है ना, हाँ, कौन कौन से स्वर है? अ आ ई ई उ रु ए आई ओ औ। और उसके बाद और भी चार उसमें वर्ण है, स्वर है, जो है अम आहा ड और भ, जो यहाँ पर नहीं लिखा है।
तो वो भी उसमें ऐड करना है, अम और आहा। ओके, समझ में आ गए स्वर कितने हैं अपने ये? अ आ ई ई उ उ रु ए आई ओ औ अम और आहा। देखो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, जैसे कि क ख ग ग स च च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो देखो ये 33 व्यंजन है और उसमें और चार आते हैं। हिंदी में चार व्यंजन दो व्यंजनों को मिलकर जो होते हैं वो है, ऊपर ले लो थोड़ा, हिंदी में और भी चार व्यंजन है, ये है श त्र न्य और श्र। ये दो व्यंजनों को मिलाकर लिखे जाते हैं, तो इतने ये व्यंजन है। तो आपने ये पढ़ा होगा फर्स्ट और सेकंड में, याद है ना सभी को? सभी ने बारह खड़ी लिखी है ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, इन्हीं से हम शब्द और वाक्य बनाते हैं। जब हम लोग वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो हमें ये स्वर व्यंजन इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें बड़ाखड़ी अच्छे से आएगी तो हम शब्द भी अच्छे से बनाएंगे और वाक्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो स्वरों की मात्राएं, स्वरों का जो रूप व्यंजन में जुड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? मात्रा कहते हैं। स्वरों की कितनी मात्राएं होते हैं? 10 मात्राएं होती है, अ की मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों में मिला होता है, जैसे कि क प्लस अ इक्वल टू क, फ प्लस अ इज इक्वल टू फ। तो इस तरह से ये मात्राएं हैं अ आ ई ई उ उ रु ए आई ओ औ। तो यहाँ पर दिख रहा है ये जो है एक काना है, आप लोग बारह खड़ी लिखते हो ना, क का की, ये पहली वेलांटी है ई, उसकी उसमें ई आता है, की ये दूसरी वेलांटी है, उ यानी ये पहला उकार है, उ ये दूसरा उकार है, ये रु यहाँ पर ये ऐसे लिखते हैं, और ये मात्रा है ए एक मात्रा, आई ये दो मात्रे है, यहाँ पर ओ एक काना और एक मात्रा है, और यहाँ पर एक काना और दो मात्रे हैं। तो इस तरह से ये मात्राएं होते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और उसमें और दो ऐड करना है, अम आहा, यानी कितने हो गए? 13। और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं और इसमें कितने ऐड करने हैं? 4, जो कि इस बुक में नहीं थे, श त्र न्य और श्र। तो टोटल कितने हो गए वो? 37। स्वरों का जो रूप व्यंजन में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों की 10 मात्राएं होती है, जैसे अ की मात्रा नहीं होती। तो बच्चों आपको समझ में आ गया वर्णमाला, स्वर व्यंजन वर्ण, समझ में आया या नहीं? ओके, देखो बच्चों यहाँ पर इसका कुछ एक्सरसाइज दिया है, स्वाध्याय दिया है। पौधे से
पौधे से स्वर और व्यंजन छाटकर सही गुलदस्ते में सजाइए। तो यहाँ पर दिया है ट ओ प उ स ए ई य त, और यहाँ पर क्या है ल रु उ स अ म ई। यहाँ पर अभी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्वर लिखना है और यहाँ पर व्यंजन। तो अभी देखो इसमें स्वर कौन सा आएगा, अभी बताओ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, स्वर अ, यहाँ पर ये स्वर आएगा अ। उसके बाद बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से। गुड, ई ई उ, और आगे ओ, और कौन सा है यहाँ पर उ, और दो कौन से रह गए ए और रू। ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्वर है ना, समझ में आ गया। अब उस और जो कुछ बचे हुए हैं वो कौन है, व्यंजन है। तो यहां पर क्या आएगा ट, उसके बाद ल स, और क्या है इसमें च म, और कौन सा वर्ड है य त, और एक कौन सा बच गया प। देखो बच्चों, तो इस तरह से हमने गुलदस्ते में से स्वर और व्यंजन को अलग किया है। तो समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट देखो, अंगूर के कुछ गुच्छे में छूटे हुए अंगूर के गुच्छे में छूटे हुए स्वर मिलाना है। और के बाद क्या आएगा बच्चों, आ, वेरी गुड, आप सभी को ही अच्छी तरह से आता है ना, ओके। उसके बाद क्या आएगा ऊ ऊ, उसके बाद क्या आएगा रू के बाद ए आई, उसके बाद क्या ओ, और फिर औ। अच्छा लगा ना बच्चों, इंटरेस्टिंग है ना। तो इस तरह से हमें ये पढ़ना है। यहाँ पर देखो ये लिखना है आपको, क के बाद क्या आएगा व्यंजन लिखना है, क ख ग घ छ च छ ज ज ज न ट ठ ड ढ न त थ ध द न प फ ब भ न य र ल व श। श श
ह तो बच्चों आज हम लोगों ने बारह खड़ी सीखी, तो आपके लिए गृह कार्य है क से लेके ह तक, उसमें और ऐड करना है चार शब्द जो आपको मैंने बताई थी, यानी श्र तक। श्र तक की बारह खड़ी आपको लिखना है, एक बार लिखना है और दो बार वाचन करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।